रुकिए माँ, माँ क्या हो गया आपको? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अगर किसी बात की नाराजगी है तो खुल के बताइए ना। ऐसा क्या कर दिया है हमने माँ? पंडित जी को बुलवाया ना? अरे माँ, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आने के बाद बात आगे बढ़ेगी, और आप है कि कविता, तमीज से बात कर। मत भूल कि तू अपनी माँ से बात कर रही है। नहीं भूली, कभी नहीं भूली माँ। हम सब में से कोई नहीं भूला है माँ, फिर भी आपने हम पर इल्जाम लगाया है आज कि हम अपनी माँ को इस घर में उसकी जगह को भूल गए। क्यों माँ? माँ आज आप चुप नहीं बैठ सकती, आपको मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। माँ बोलिए ना, माँ कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना। माफ कीजिए माँ, माफ कीजिए। आज आपसे ये सवाल करने की बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन आज आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा। आज अचानक ये बताने की जरूरत क्यों पड़ गई कि आप हमारे लिए, इस घर के लिए क्या है? आप अपनी जगह को अच्छी तरह से जानते हैं माँ, लेकिन फिर भी आज आपने हमारे प्यार पर, हमारे विश्वास पर इतना बड़ा सवाल उठा दिया। क्यों माँ? माँ क्या आप चाहती नहीं कि विहान की शादी हो? इस घर में खुशियां दुगनी हो, इस घर में बहू आए। माँ मेरी तरफ देख के बात कीजिए ना प्लीज। माँ हमसे कोई भूल हो गया है, बताइए ना माँ। अगर अंजाना में की अपमान हो गई हो तो हम लोगों को माफ कर दीजिए। हम आपसे कितना प्यार करती हैं, आप ऐसे रही तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमें हमें मार लीजिए माँ, फटकार लीजिए प्लीज माँ। आज के बाद ये कभी मत पूछिएगा कि इस घर में आपका क्या जगह है। तुमने हाथ क्यों नहीं जोड़े? आप मुझे अच्छी तरह से जानती है, बचपन से मैं ऐसी हूं, गलती की तो हाथ क्यों जोड़ू? माँ अब आप कहेंगे तो पंडित जी से बात करेंगे, वरना हम में से कोई जिद नहीं करेगा। क्या करना है? करना क्या पंडित जी, शुरू कीजिए। मैंने सब देख लिया। इस महीने में 28 तारीख को शादी के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है।
संभाल बेटा, तू पीछे हट, मैं साफ करवा दूंगी। So sorry, माँ। चिंता की कोई बात नहीं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शीशा का टूटना बड़ा शुभ होता है, आज तो बड़ा शुभ मुहूर्त है। अब आप कह रहे तो जो भी होगा, अगर सबको मंजूर है तो 28 तारीख शादी की फिक्स कर लेते हैं ना। तो इसी महीने की 28 तारीख को बड़ा शुभ दिन है, आरुषि पंडित और विहान वत्सल का विवाह तय किया जाता है। सो मिस आरुषि, 28 तारीख को तुम मिसेज रेहान वत्सल बनने वाली हो। माए शादी की तैयारी की बात करने तुम्हारे घर आने वाली है। माँ, आज घर पे सातों माए आने वाली है। आप प्लीज पापा और गिरी से कह दीजिएगा कि कोई गड़बड़ ना करे, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती। और वैसे भी आप सब बड़े बात करेंगे, मेरा क्या काम। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। आई नो माँ, शादी के इतने करीब आकर बस अब और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब और लड़ना झगड़ना नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी दादी को माफ कर दे। मैं जानती हूं कि तुझे और घर के सभी लोगों को वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता हो, पर जब तक मैं सारी बात संभाल पाती, तेरी सगाई हो चुकी थी। पर अब किसी भी हालत में मैं शादी नहीं होने दे सकती। मुझे माफ कर दी भी हूं, लेकिन जो मैं करने जा रही हूं उसमें तेरी और हमारे पूरे परिवार की भलाई है, दर्द मुझे भी है, तकलीफ मुझे भी है। जानती हूं मैं अपने परिवार और उस लड़की का दिल तोड़ने का पाप करूंगी, लेकिन क्या करूं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती, अपने इस परिवार को इस तरह बिखरने नहीं दे सकती। मैं ये शादी पूरे परिवार की बर्बादी साबित होगी। अरे आप लोग आइए आइए, नमस्ते, आइए 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 जी, आइए, स्वागत है आपका, आइए आ जाओ बेटा, चल चल रहे बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे चेयर है ना, आप इधर बैठिए ना। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए कोई नहीं जी, कोई नहीं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ लड़के वाले नीचे नहीं बैठते, घर की बात है। मिली, तू जाके पड़ोस से दो चार चेयर लेकर आ। कोई जगह नहीं, आप लोग भी बैठिए। हैं, मैं भी नीचे बैठता हूँ जी। अब ये सब छोड़कर जरा हम काम की बात कर लें। जी। पंडित जी ने शादी के लिए 28 फरवरी का शुभ मुहूर्त निकाला है, हम ये आगे की प्लानिंग डिस्कस करने के लिए आए हैं। जी, वैसे शादी की तैयारियों के लिए हमें समय थोड़ा कम मिला है। कम या ज्यादा, अब जो भी वक्त है उसमें तो बहुत ही शान से और धूमधाम से शादी होगी। हमारे इकलौते बेटे की शादी है। हाँ, और हम हल्दी मेहंदी संगीत सब फंक्शंस करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं
ये कहाँ से शादी करने की सोच रहे हैं आप? इसी घर से होगी शादी। इसी घर से? माफ कीजिए लेकिन शायद आप लोग समझ नहीं रहे, हमारे मेहमान कम से कम भी कुछ 500,000 तो होंगे। यहाँ 7 लोगों की बैठने की जगह नहीं है तो हमारे मेहमानों की खातिरदारी किस तरह होगी? देखिए जी, इसको कुछ पता था नहीं, बीच में वैसे बोल जाती जी। मैं तो ये कहता हूँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप देखिए, वो हमारी पिछली गली में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। उस स्कूल का जो चौकीदार है ना जी, वो मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त। 100-200 रुपए मारूंगा, सारी सेटिंग हो जाएगी जी। आप चिंता मत करो, धूमधाम से शादी करेंगे जी। अब वैसे भी 28 तारीख के शनिवार है, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी जी। हाँ, आप जो बोलते हैं उसे बोलने से पहले सोचते भी हैं या नहीं? नहीं, मेरा मतलब है हमारे मेहमानों में तो टॉप क्लास बिजनेसमैन होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे और ऑफिसर्स होंगे। आपको सच में लगता है कि वो लोग 200 किराए वाले सरकारी स्कूल में आएंगे? आपकी गली में तो एक कार घुस नहीं पाती है, मेरे मेहमानों की गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी? उनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का क्या होगा? क्या इंतजाम करेंगे आप? हम लोगों ने मिलकर एक प्लान किया है, आप लोगों की आर्थिक स्थिति हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। हमने ये सोचा है कि शादी का सारा खर्च, सारा इंतजाम हम खुद करेंगे। ये आप लोगों का बड़प्पन है लेकिन शादी के सारे इंतजाम लड़की वालों की तरफ से होते हैं। ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। आपके इस जज्बे के लिए हम अपनी इज्जत को दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं ना? ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि हमारे मेहमानों की कम से कम जरूरतें भी आप लोग पूरी नहीं कर पाएंगे? इसलिए प्लीज ये सारी बातें छोड़ दें और हमें हमारे मेहमानों का ख्याल रखने दें। देखिए जी, आप लोगों को तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया हुआ है, आप दिल खोल करके खर्चा कीजिए, हमारी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं होगी जी। हाँ, ठीक है ना नर्मदा? प्रियंका, कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं? हमारे बिहान की शादी धूमधाम से करना हम सब माओं का सपना है। अब जब शादी ऐसे घर में तय हुई है तो हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए मदद के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हम शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप लोगों को किसी भी तरह कोई भी इंतजाम करने की जरूरत ही नहीं, बस शादी में आइए, खाइए पिए और शादी को होता देखिए। देखिए, माना हम लोग गरीब हैं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन सपने तो हमने भी देखे हैं अपनी बच्ची के लिए। और ये देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो आरुषि के साथ आपस में बात करके आपको फिर बताएं। देखिए, आप आरुषि से बात कीजिए या किसी से भी, नतीजा तो वही निकलेगा। शादी का इंतजाम तो हम ही करेंगे। आपके पास कल तक का समय है।
कस्तूरी जी, हम साफ दिल से बात करने आए थे, प्लीज हमें गलत मत समझिएगा। एक ही परिवार है, ये अंदर की बात है, हमारा पैसा आपका पैसा अलग अलग तो नहीं है ना? अच्छा फिर अब तो बात पक्की? वैसे भी आपके पास एक दिन है सोचने का, हम लोग अभी निकलते हैं ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है, मिठाइयां लेनी है। हाँ, बहुत काम है। अरे आप लोग ऐसे कैसे, खाना तो खाकर जाइए। आज नहीं जी, फिर कभी, अभी थोड़ी सी जल्दी है। नमस्ते। नमस्ते। आज इन मासूम लोगों के साथ इस तरह बात करके बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। जो मैं नहीं हूँ वो दिखाना पड़ रहा है मुझे, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। वो राज जो अपने अंदर छुपाए घूम रही हूँ किसी से कह भी तो नहीं सकती, पर करना होगा मुझे, उस अनर्थ को रोकने के लिए करना ही होगा। माँ, आप एक ऐसी बातें कर रहे थे अंदर, उन्हें प्यार से भी तो समझाया जा सकता था। बात जितनी सीधी तरीके से की जाए उतना ही अच्छा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी सी बात के लिए इन्हें समय क्या चाहिए। पैसा नहीं है इनके पास, समझ सकते, दिमाग तो है, या फिर शायद वो भी नहीं है। जाने दो ना, बस में वो भी डिस्कस कर लेंगे, सोच लेंगे ना कुछ। सोच कर भी क्या सोच लेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति छिपी है क्या दुनिया से? लड़की भले ही कितनी भी अच्छी हो लेकिन दोनों परिवारों का फर्क साफ नजर आएगा दुनिया वालों को। यही बात अच्छे ढंग से भी की जा सकती थी लेकिन ये तो साफ साफ हमें नीचा दिखाना हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जो इंतजाम हम करने वाले हैं उसे हंसी खुशी मान लेना चाहिए, लेकिन इस तरह यहां आकर पैसों की धौंस जमा कर चले जाना, मुझे तो डर लग रहा है बहू, कहीं शादी का फैसला हम लोगों ने गलत तो नहीं ले लिया, कहीं हमारी आरुषि को जिंदगी भर इस बोझ के तले दबे रहना होगा कि वो गरीब घर से आई है। दादू, कैसा रहा सब बताइए ना। ठीक रहा, मिलने आई थी। माँ ऐसे नहीं, सब कुछ डिटेल में बताइए। अरे बेटा मैं बताता हूँ, सुन, हुआ यूं, मामला बिगड़ते बिगड़ते रह गया। मतलब कुछ नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि शादी की सारी तैयारियां, सारे इंतजाम वो खुद करें, हम लोग उसमें शामिल ना हो। अरे ये क्या बात हुई, सब कुछ वो ही क्यों करे। अब बेटा इसमें गलत बात भी क्या है। बाबूजी एक बात बताओ मुझे, उनके बड़े 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 मेहमान, उनके पास बड़ी 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 गाड़ियां, इस गली में एक गाड़ी भी नहीं आ सकती, और हमारी औकात नहीं है उनके मेहमानों की खातिरदारी करने की, और ना ही उनके ढंग से शादी करने की, तो करने दो उनको अपनी मन मर्जी। बेटा हम चाहकर भी उनकी बराबरी का इंतजाम नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से हमें उनकी मदद ले लेनी चाहिए। नहीं माँ, जो भी जितना भी जैसा भी हो, शादी हमारे घर से हमारे खर्चे से ही होगी, ज्यादा कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत तो संभाल ही सकते हैं हम। वो जमाना गया जब लड़कियों की शादी माँ बाप के लिए बोझ हुआ करती थी,
हमारी जनरेशन ना बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। आज ही मैंने अपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, तो डोंट वरी, धीरे धीरे करके हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक से करते ना सब भगवान, अब मेरी बच्ची की खुशियों में कोई बाधा ना आए।